चौधरी, एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें एक्सरसाइज 11 की जो थ्योरम है बोधायन का विलोम वो करेंगे। तो अपने बोधायन पर मैं पढ़ लिया है, अब उसका विलोम ये भी 6 नंबर के अंदर इम्पोर्टेंट है पर मैं। तो बोधायन का विलोम या कन्वर्ज बोधायन क्या है कि बोधायन पर मैं के अंदर तो अपने को समकोण त्रिभुज दिया हुआ था और कन्वर्ज बोधायन में आपको समकोण त्रिभुज है वो सिद्ध करना है। तो यहाँ इसका स्टेटमेंट है कि किसी त्रिभुज में, यहाँ समकोण त्रिभुज तो सिद्ध करना है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होगा। तो ये समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो आपको दिया हुआ के अंदर सिर्फ त्रिभुज लिखना है। यहाँ पे अगर आपने राइट एंगल लिख दिया तो इक्वेशन गलत हो जाएगा क्योंकि आपको त्रिभुज तो समकोण सिद्ध करना है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है कि दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग, तो दो भुजा ये एबी और बीसी ले लिया है तो इनके वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा अपने को इसको समकोण सिद्ध करना है तो इसका जो डायग्राम है वह तो समकोण त्रिभुज की तरह बनाना है, लेकिन यहाँ पे बी कोण 90 डिग्री का आपको नहीं दिखाना है। तो ये बी कोण अगर आपने 90 डिग्री का दिखा दिया तो ये समकोण हो गया है। तो ये बी कोण तो अपने को 90 का करना है। तो पहले ये डायग्राम है इसका, ए बी सी त्रिभुज लिया है जिसमें ए सी पर बने वर्ग है वो ए बी और बी सी पर बने वर्गों के योग के बराबर है और आपको त्रिभुज सिद्ध करना है, ये समकोण त्रिभुज। अब इसके अंदर रचना क्या करेंगे कि रचना करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी है, इसकी भुजा ए बी के बराबर तो भुजा लेनी है पी क्यू और बी सी भुजा के बराबर लेनी है ये क्यू आर और आपको पी क्यू आर जो त्रिभुज बनाना है वो समकोण त्रिभुज बनाना है। तो पी क्यू आर समकोण त्रिभुज की क्यू आर भुजा तो बी सी के बराबर लेनी है और पी क्यू भुजा है वो ए बी के बराबर लेनी है। तो ये अपन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्यू आर भुजा बी सी के मान के बराबर आपने बना लिया, फिर क्यू पे आपने 90 डिग्री का कोण बना लिया, उसके बाद क्यू से आप जितना ए बी है उतना चाप आप क्यू से रख के ये चाप काटोगे इस लाइन पे तो ये पी बिंदु और पी को फिर आर से मिलाना है। तो ये पी क्यू आर त्रिभुज है वो अपन ने रचना से किया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की आपने जो रचना की है वो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की है जिसमें पी क्यू है वो तो ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर पी क्यू है और क्यू आर है वो है बराबर बी सी के तथा कोण क्यू है वो 90 डिग्री का। तो ये अपन ने पी क्यू आर समकोण त्रिभुज की रचना किया है। अब उपपत्ति के अंदर इसको प्रूफ के अंदर अपने सिद्ध करेंगे। उपपत्ति के अंदर देखो त्रिभुज एबीसी के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये अपन लिख देते हैं सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर है एक। और समकोण त्रिभुज है ये पी क्यू आर, तो राइट एंगल ट्राइंगल है अगर पी क्यू आर तो इसमें आप बोधायन प्रमेय लगा सकते हो क्योंकि समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगती है। तो अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बोधायन प्रमेय लगा सकते हो आप। तो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो इसमें कर्ण कौन सा है पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हो गई दो। अब समीकरण नंबर एक और दो के अंदर अभी अपने पास कोई भी पार्ट बराबर नहीं है जिससे अपन कंपेरिजन करें। तो जो रचना अपन ने की है वो पी क्यू के बराबर ए बी था, क्यू आर के बराबर बी सी था। तो आपने जो समीकरण दो बनाई है इसमें पी क्यू की जगह आप ए बी रिप्लेस कर दो, क्यू आर की जगह आप बी सी रिप्लेस कर दो। तो समीकरण नंबर दो के अंदर पी आर तो सेम का सेम लिख देंगे, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे ए बी तो ए बी का स्क्वायर और क्यू आर की जगह लिख देंगे बी सी तो बी सी का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हो गई तीन। ये जो आपने किया है वो किससे किया है, रचना से किया है, जो आपने रचना का पार्ट यूज किया था उसके अकॉर्डिंग ये किया है। अब समीकरण नंबर एक और तीन की कंपैरिजन कीजिए, एक और तीन के जो ये राइट साइड में भाग है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इसमें भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों है इक्वल, तो इनके लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होंगे। तो समीकरण एक व दो का कंपैरिजन करते हैं, तो समीकरण एक व तीन का, समीकरण एक व तीन से
समीकरण एक व तीन से इनके राइट पार्ट बराबर है तो इनके लेफ्ट पार्ट भी बराबर होंगे, ए सी स्क्वेयर बराबर पी आर स्क्वेयर। अगर किसी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर है, वर्ग बराबर है उनके, तो खुद भुजा भी बराबर होगी, तो ए सी के बराबर होगा पी आर। ये समीकरण नंबर हो गई चार। तो ये आ गया ए सी के बराबर है पी आर। अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग समता से, दोनों के अंदर कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर कैसे सर्वांग सम होंगे, ये इन दोनों में दो दो भुजा तो ऑलरेडी बराबर थी, और तीसरी भुजा ये आपने बराबर कर दी समीकरण नंबर चार में, क्योंकि दो भुजा तो आपने रचना से ही बराबर कर दी, और तीसरी भुजा है जो ए सी के बराबर पी आर है वो समीकरण नंबर चार में आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज लेते हैं जिनको सर्वांग सम करते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ए बी के बराबर तो है पी क्यू, ये तो है रचना से, और बी सी के बराबर है वो है क्यू आर, बी सी के बराबर क्यू आर है ये भी रचना से है, और ए सी के बराबर जो पी आर है वो समीकरण नंबर चार से है, समीकरण चार से। तो दोनों त्रिभुज ट्रिपलस रूल से हो जाएंगे सर्वांग सम, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि तीनों भुजाएं ली आपने इसमें, तो तीनों भुजाओं के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा अस 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 रूल से सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो बाई सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, ऐसी लाइन भी लिख सकते हो आप। तो अपने को यहाँ पे कोण 90 डिग्री का लाना है, तो बी के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा क्यू, क्योंकि दो नंबर पे है बी कोण, इधर क्यू भी दो नंबर पे है, तो संगत भाग है ये, कोण बी के बराबर हो गया है कोण क्यू, ये बराबर हो गया है कोण क्यू का मान आपने रचना से कितना डिग्री लिया है 90 डिग्री, तो कोण बी का मान भी कितना हो गया है 90 डिग्री, और बी 90 डिग्री का है, तो त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, hence proved। तो ये प्रमेय है वो 6 नंबर के अंदर आई हुई है, और 6 नंबर में ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरह से कीजिए। इस प्रमेय के अंदर आपको रचना में ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने रचना किया है वो ये दो भुजा तो बराबर लिया है पी क्यू आर और ए बी सी की, और तीसरी भुजा है वो आपको बराबर लेकर आनी है, उसके बाद दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम करना है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करते ही कोण बी का मान आ जाएगा 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट प्रमेय 2020 एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान से कीजिए।